क्या खूब कहा है कि जिंदगी की जंग में खुद ही अर्जुन तो कभी श्री कृष्ण बनना पड़ता है और रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। स्वागत है आपका नई कहानी में। आज की कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस में बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा उसे चिंता सताई रहती है कि सामने में बिजनेस कैसा होगा, लड़का संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। और कई बार उस बिजनेसमैन का बेटा भी अपने पापा से कहता है कि पापा मुझे कुछ काम करने दीजिए, लेकिन बिजनेसमैन अपने बेटे को काम नहीं करने देते। एक दिन अचानक उस बिजनेसमैन के बेटे को फोन आता है कि तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है और बिजनेसमैन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वो लड़का भी दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे पापा को अटैक आया है और धीरे धीरे वो रिकवर होंगे, अभी वो ठीक है। लड़का हॉस्पिटल में रहता है, वो अपने दोस्त को कॉल करता है और सारी बातें बताता है कि मेरे पापा को अटैक आया है, और दोस्त को बुला लेता है। दोस्त और वो लड़का हॉस्पिटल में बैठे रहते हैं और बहुत देर बैठने के बाद वो लड़का अपने दोस्त से कहता है चल बाहर से आएंगे। वो दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने के बाद लड़का अपने दोस्त से कहता है चलो हम आइसक्रीम खाएंगे। लड़के का दोस्त कुछ समझ नहीं पाता, उसे लगता है कि इसके पिताजी अंदर एडमिट है और इसे आइसक्रीम खाना है। वो लड़का आइसक्रीम पार्लर से दो आइसक्रीम लेता है, एक अपने दोस्त को देता है और एक खुद खाने लगता है। ये सब देखने के बाद उसके दोस्त को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हारे पिताजी यहाँ एडमिट हैं, टेंशन में है तुम और तू आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है। तब वो लड़का कहता है मुझे भी पता है कि मेरे पिताजी अंदर हैं और टेंशन में हम लोग सब और मैं यहाँ आइसक्रीम खा रहा हूँ, लेकिन मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैंने उनसे दो बातें सीखी है। एक ये कि अपने कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो, फल जब मिलना है तब मिलेगा ही, हम जैसा करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। और दूसरी बात जिसके लिए मैं तुम्हें कहानी सुनाना चाहता हूँ, श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी मैया से, उन्हें एक पुत्र हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया और प्रद्युम्न के अपहरण के बाद माँ रुक्मिणी दुखी रहने लगी, उदास रहने लगी। वो श्री कृष्ण से कई बार कहती कि मेरा बेटा कैसा होगा, तो श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी से कहते चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जहाँ भी होगा अच्छा होगा। और इस प्रकार माँ रुक्मिणी हमेशा उदास रहने लगी। 18 साल के बाद प्रद्युम्न की द्वारिका में वापसी हुई और प्रद्युम्न जब द्वारिका वापस आए तो उनके साथ उनकी बीवी भी थी मायावती, जो कि उनसे उम्र में 20 साल बड़ी थी। जब पुत्र द्वारिका वापस आ गया तो रुक्मिणी माँ देखकर ये बहुत खुश हुई, लेकिन जब उन्होंने प्रद्युम्न की बीवी को प्रद्युम्न के साथ देखा तो वो दुखी हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि इसने कैसे 20 साल बड़ी लड़की से शादी कर लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये कैसे हो गया, तो श्री कृष्ण ने कहा जो भी हो गया है उसे स्वीकार करो और जो भी हुआ है वो अच्छा हुआ है। लेकिन माँ रुक्मिणी का मन मानने तैयार नहीं था। 18 साल के बाद आने के बाद भी निरंतर माँ उदासी में छाई रहती और माँ रुक्मिणी ने इस बात को स्वीकार करने में 8 साल लगा दिए कि मेरे बेटे के साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, उसका जिस स्त्री से विवाह हुआ है वो उसके जीवन में अच्छा ही हुआ है। और इस प्रकार माँ रुक्मिणी के 26 साल उदासी में निकल जाते हैं क्योंकि वो उस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। इसीलिए जिंदगी में अगर उदास नहीं रहना है तो चीज़ों को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, और मैं ये बात समझ गया हूँ। लड़का अपने दोस्त को ये सारी बातें बताता है और कहता है कि मुझे पता है मेरे पिताजी अंदर एडमिट हैं, लेकिन मैंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि जिंदगी में जो भी घटित होने वाला है वो हमारे हाथों में नहीं है, और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उन बातों पर नहीं विचार करता जो बातें उसके हाथ में नहीं होती, जो उसके हाथों से बाहर होती हैं उन बातों पर वो अपने एफर्ट्स को खर्च नहीं करता और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता। दोस्तों, इस कहानी से दो बातें बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि एक जो फल मिलने वाला है वो मिलके ही रहेगा, और दूसरा ये कि जिंदगी में हर चीज को हमने स्वीकार करना चाहिए क्योंकि जिंदगी में जो भी घटित होता है वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है और ऊपर वाला जो भी देता है वो आपके भलाई के लिए ही देता है। अगर आप हर चीज को जैसी है वैसी स्वीकार कर ले तो आप कभी उदास नहीं होंगे और अपने काम को निरंतर करते रहेंगे। दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पर रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।